बिलासपुर में नवपदस्थ एसएसपी पारुल माथुर ने कोतवाली क्षेत्र में पैदल निरीक्षण किया, जिसके बाद थाने पहुंचकर उन्होंने काम का भी जायजा लिया। नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर चार्ज लेते ही एक्शन में नजर आ रही है। वहीं उन्होंने यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 25 नव आरक्षकों को ट्रैफिक पुलिस में शामिल किया जाएगा और उन्हें शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए फील्ड में भी उतारा जाएगा। इसके अलावा शाम के समय गोल बाजार इलाके में चार पहिया वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा, ताकि शाम को लगने वाले जाम की वजह से यातायात की स्थिति को बेहतर रखा जा सके। बेसिकली आज जो शहर का सबसे क्राउडेड इलाका है अपना गोल बाजार, सदर, कोतवाली, यहाँ पे पूरी टीम के साथ भ्रमण किया है और किस तरह से और बेहतर और सुचारू व्यवस्था ट्रैफिक के संबंध में और शाम के टाइम जो भी पब्लिक का आवागमन होता है उसके संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे काफी सराफा दुकानें हैं, उसमें भी किस तरह से और बेहतर निगरानी करनी है, उस सभी की चर्चा हम लोगों ने करी है। और मेन पॉइंट तो यही है कि शाम के टाइम पुलिस की जो प्रेजेंस चाहिए सभी मार्केट्स में, उसको हम लोग इंश्योर कर रहे हैं, जिससे कि पब्लिक में भी एक सेफ्टी।